रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो जैसे हम समझ सके थे कल की क्लास में, हमारे फोन के अंदर पावर कैसे डिलीवर होता है, ठीक है। जैसे हमने समझा था कि पावर आईसी के पास लगने वाले कैपेसिटर का क्या काम होता है, फिर कॉइल का काम क्या होता है, और ये क्यों लगाए जाते हैं, रजिस्टर क्यों लगाए जाते हैं, उनको चेक कैसे करते हैं मीटर से, वो हमने आपको बताया था। तो कल हमने समझा था कि आपका जो बैटरी कनेक्टर है, यहाँ सबसे पहले जो सप्लाई आपकी जाती है वो आपकी जाती है चार्जिंग आईसी के अंदर, जैसे आप डीसी टू डीसी या डीपीएच पावर बनाने वाले आईसी के नाम से जानते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हमारा बनता है सिस्टम वोल्टेज, जिसे आप डीपीएच पावर के नाम से जानते हैं। यही सिस्टम वोल्टेज आपका कई सेक्शनों के लिए जाता है, जैसे आपका ये 4G आईसी है, 4G से आप पीएफ बोल सकते हैं, आप पीएफ बोल सकते हैं, तो आपका इस आईसी को जाता है, ठीक है। और आपका पावर आईसी भी इसी से ऑपरेट होता है। यहाँ पर आपका ये ब्लूटूथ वाईफाई आईसी तो यहाँ पर जो हमारा बीपीएच पावर है उससे आपका पावर आईसी ऑपरेट होता है, और यहाँ पर आपका 2G आईसी के लिए वोल्टेज मिलता है, ठीक है। इसके अंदर आपका एक सेक्शन और होता है, जिसे आप एपीटी के बारे में एपीटी से जानते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं इसमें एपीटी है कि। तो यहाँ पर ये आपका एपीटी एक एक सेक्शन होता है। एपीटी सेक्शन का काम होता है आपका 4G नेटवर्क को बूस्ट होने का काम, ये एपीटी सेक्शन आपका करता है। इसको भी ऑन होने के लिए आपका सिस्टम वोल्टेज की आवश्यकता इसे भी आपकी होती है, ठीक है। अब बात करेंगे कि हमारा पावर आईसी कैसे काम करता है, जो आपका पावर आईसी है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जब हम बैटरी लगाते हैं फोन के अंदर, तो हमारा सिस्टम वोल्टेज यहाँ से आपका बन जाता है जी। अब हमारी पावर आईसी कैसे काम करती है, ये वोल्टेज जब इसे मिलता है, तो उसके बाद हमारे कोर कौन कौन से वोल्टेज बनते हैं, तो कैसे समझेंगे किस कोर पे कितना वोल्टेज बनता है, ये हमको समझना होगा। पहले देखेंगे, जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमारा एक ये इस टाइप का लगा हुआ है कंपोनेंट। ये कंपोनेंट क्या है और ये क्यों लगा हुआ है, तो आपका ये कंपोनेंट है वो आपका डायोड है, जो कि लगा है प्रोटेक्शन के लिए। ये आपका जो डायोड है वो आपका यहाँ पर लगा हुआ प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पर इसका काम है वो प्रोटेक्शन करना है कि जैसे बैटरी से अगर किसी वजह से वोल्टेज ज्यादा आ जाता है, तो यहाँ पर ये प्रोटेक्शन कर लेता है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इसका यहाँ पर एक लाइन है, लाइन का मतलब होता है कि ये इस साइड डायोड का नेगेटिव सिरा यहाँ पर अटैच होता है, जैसे आप कैथोड कह सकते हैं, और इस वाले सिरे को एनोड कहते हैं। तो हमेशा यहाँ पर ये प्रोटेक्शन के लगाया गया है, और जैसे ये आपका एक रेक्टिफाइड डायोड भी हो सकता है, और नहीं तो आपका ये जीनर हो सकता है, जीनर डायोड, यही तो आपका ये जीनर डायोड हो सकता है। तो जीरो डायोड हमारा फिक्स वोल्टेज के लिए लगाया जाता है, जैसे कि आपका यहाँ से जैसे जीरो डायोड आपका है, तो फिक्स वोल्टेज के लगाया जाता है। यहाँ से मतलब होता है कि जैसे ज्यादातर जीरो डायोड आपका लगता है पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल में हमेशा एक साइड हमारी सप्लाई होती है, एक साइड हमारी होती है सप्लाई, और सेकेंड साइड ग्राउंड होता है आपका, तो इसी को हम बोलते हैं पैरेलल। जैसे कोई भी कंपोनेंट के आपको एक साइड ग्राउंड मिल रहा हो, जैसे हमने कई बार आपने देखा हो कैपेसिटर, आपको एक साइड ग्राउंड मिलता है और यहाँ पर आपको सप्लाई मिलेगा, तो इसे हम बोलेंगे पैरेलल। जिस भी कंपोनेंट के एक साइड ग्राउंड और एक साइड आपको सप्लाई मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल में। तो जहां भी आपका डायोड लगता है पैरेलल के अंदर, तो वहां पर वो प्रोटेक्शन काम करता है। ज्यादातर केस के अंदर जितना भी इस टाइप का डायोड आपको दिखता है, वो या तो आपका होता है टीवीएस या आपका तो जीनर। तो ये आपका एक जीनर डायोड हो सकता है या टीवीएस, तो इसे डायग्राम से ही कंफर्म कर पाएंगे डायग्राम ये है क्या। तो यहाँ पर दोनों का ही काम होता है फिक्स वोल्टेज और प्रोटेक्शन करना। तो जैसे मान लो अगर इस डायोड का जो वैल्यू है वो अगर 4.3 या 4.5 मेंशन किया गया है, जैसे 4.5 वैल्यू का ये
डायोड है जो कि आउटपुट में आपको यही वोल्टेज तक होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आपका ये प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारा बनता है बीवेज पावर, और ये आपका इस साइकिल में चला जाता है चार्जिंग, आपकी यहाँ पर आपकी पावर आईसी। अगर उस आईसी से आपका बीपीएच पावर बन जाता तो समझो कि आपका सेट में चालू करने का सिस्टम ओके है। सेट में चालू, जो सेट हमारा चालू होता है उसमें आपका डीसी टू डीसी सिस्टम आपका ओके है, तो उसमें आपका ये सेट आपका चालू हो जाएगा। यहाँ पर मोबाइल आपका चालू हो जाएगा जैसे आप फोन को पावर की प्रेस करेंगे। पावर की आपने प्रेस किया है और उसके बाद सबसे पहला वोल्टेज आपका कौन सा बनेगा और आपको चेक कैसे करना है कि आपका क्या क्या वोल्टेज बनेगा, सबसे पहले देख लेते हैं। नंबर 1, नंबर 1 आपका इस साइज कुछ बीपीएच पावर है पहला। उसके बाद आपका बनता है ये कॉइल से वोल्टेज, ये जितने भी कॉइल है ये सभी कॉइल से वोल्टेज आपको बनेगा। ठीक है, तो ये कॉइल से वोल्टेज कितना बनता है और हमको कैसे मालूम करना है कि वोल्टेज कितना बनेगा, तो इसके लिए हम वो डायोड वोन्यू के अंदर जाते हैं और यहां से हम लेते हैं अपना इन आउट वोल्टेज। जैसे यहां से हम ले लेंगे इन आउट वोल्टेज, जैसे यहां से लेते हैं आपका इन आउट वोल्टेज ये रहा। तो यहां से हमने इन आउट वोल्टेज लिया है ये। इन आउट वोल्टेज में आपका होता क्या है, इन आउट वोल्टेज में जितने भी हमारे कॉइल से वोल्टेज आउटपुट होते हैं फोन को ऑन करने के बाद, या आपका फोन डेड है तो फोन में अगर आप लगाएंगे ओनली चार्जर तो चार्ज लगाने के बाद भी आपके सभी वोल्टेज बनने चाहिए कॉइल पर ये। तो पहला आपका काम होगा इस जो आईसी है उसमें आपका बीपीएच पावर चेक करना पहला काम है। दूसरा आप चेक करेंगे कि जो आपके कॉइल हैं इन कॉइल पे आपका कितना कितना वोल्टेज आउटपुट आपका होता है यहाँ। सेकंड आप ये चेक करेंगे कॉइलों पर। तो कॉइल पर वोल्टेज चेक करने के लिए हमको कैसे मालूम होगा तो किस कॉइल पे कितना वोल्टेज आउटपुट होता है, तो जैसे देखेंगे ये हमारा कॉइल है। अब इस कॉइल पे मेंशन नहीं किया है कि कितना वोल्टेज आउटपुट होगा, तो आपको जानना कैसे, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा साथ में बिट मेल। आप यहां से बिट मेल यूज करेंगे, तो जैसे हमको कोई भी डेड सेक्शन को चेक करना होता है तो वोल्टेज अगर सेट में शॉर्टिंग नहीं है तो हमको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है कि हमारा वोल्टेज किस आईसी तक पास हो रहा है। तो सबसे पहले आपने यह चेक किया कि आपको कई कैपेसिटर पे मिलेगा बीपीएच पावर, क्योंकि हम कल जान चुके हैं कि सबसे पहले हमारे फोन में बनता है बीपीएच पावर, वो पावर आईसी को ऑन कर देता है। अब इसके बाद ये कॉल से वोल्टेज बनना स्टार्ट होता है। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहला वोल्टेज आपका कौन सा बनता है तो वो देख लेते हैं। तो यहां पर हमारा सबसे पहला वोल्टेज ये कॉइल से बन रहा है, तो क्लिक करेंगे यहां पर देखेंगे ये जो वोल्टेज है वो आपका इस कॉइल से बन रहा है। अब वो यहां पर मेंशन नहीं है कि यहां पर आपका कितना वोल्टेज आउटपुट होगा, तो आप इस साइड क्लिक कर देंगे, यहां से ये आउटपुट हो रहा है आईसी से और इस साइड कहां जा रहा है, तो क्लिक करेंगे ये वोल्टेज फिर आईसी के अंदर आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर कितना वोल्टेज आईसी का आउटपुट हो रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 कैपेसिटर पर ये मेंशन किया गया है। जो हमने इनआउट वोल्टेज का ऑप्शन खोला हुआ है देखेंगे वहां पर लिखा हुआ है, देखेंगे तो यहाँ पर 2 कैपेसिटर में 1 कैपेसिटर कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ जूम करेंगे और देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि आपको वी वोल्टेज रेगुलेट, ठीक है, S3। S3 का मतलब है कि कॉइल, यहां भी आपका S लिखा हो समझ जाना कि आपका कॉइल के वोल्टेज की बात कर रहा है। ठीक है, S3 आपका कॉइल, कॉइल से जो वोल्टेज आउटपुट हो रहा है पावर आईसी के थ्रू वो वहां पर 1.2 वोल्टेज आउटपुट होगा, मतलब कि इस कॉइल से जो वोल्टेज
अभी आउटपुट हुआ था, पावर आईसी ने इस कॉइल को वोल्टेज 1.2 दिया है, सभी हमको यहाँ पर 1.2 वोल्टेज मिल रहा है। तो इसके बाद हम करेंगे सेकेंड कॉइल के बारे में, तो इसके लिए भी सेम करेंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे, पावर आईसी इसके लिए वोल्टेज दे रहा है, कितना दे रहा है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉइल और है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा, और यहाँ पर कई सारे कैपेसिटर हैं, तो देखते हैं आपको इनर वोल्टेज में यहाँ देखेंगे तो ये रहा, यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी लिखा है एस, देखो यहाँ पर है वी रेज, मतलब कि आगे वी रेगुलेट वोल्टेज है, एक आईसी ने इस वोल्टेज को बनाया है, ठीक है। अब जो आप चेक कर रहे हैं वो कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर आप वोल्टेज को देख रहे हैं, उस कैपेसिटर का नंबर आपका ये है, तो ये आपका कॉइल S5 और कॉइल S6 पर मिलने वाला वोल्टेज आपका 0.8 वोल्टेज आपको मिलेगा। तो ये दो कॉइल में वोल्टेज आपको 0.8 वोल्टेज मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर ये और ये तीन कॉइल का वोल्टेज चेक कर सकते हैं। हम चेक करेंगे लास्ट इस कॉइल का वोल्टेज, इस कॉइल का वोल्टेज चेक कैसे करेंगे, तो सेम आप यहाँ क्लिक करेंगे, तो मतलब हुआ कि यहाँ से वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, और आपका इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वोल्टेज आउटपुट इस साइड से आउटपुट होके फिर आईसी के अंदर आ रहा है, और ये लाइन और भी आगे गया हुआ है, तो देखेंगे देखो यहाँ पर आपका एक रजिस्टर है, आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लाइन आगे बढ़ा हुआ है, देखो बाकी सभी कंपोनेंट पे एक साइड से ग्राउंड है, यहाँ ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ भी ग्राउंड है, बस यही सिंगल है जहाँ से ये लाइन आगे बढ़ाया गया है। क्लिक करेंगे आप यहाँ पर, तो फिर ये लाइन का वोल्टेज यहाँ से फिर आईसी में जाता है, फिर यहाँ से फिर आगे बढ़ाया गया लाइन, यहाँ से ये लाइन बहुत जगह जाता है। तो यहाँ पर शायद या तो यहाँ पर जो भी यूज किया गया है रजिस्टर है, तो यहाँ पर शायद वोल्टेज को और कम किया गया होगा, उसके थ्रू फिर जितने भी सेक्शन को दिया जाता है वहां से दिया गया होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आउटपुट होगा, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया है आपका, एक मिनट देख लेते हैं, ये रहा नीचे के दो कैपेसिटर हैं ये नहीं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपका ये भी एक कॉइल का वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपका सबसे पहले कॉइल पे आउटपुट होता है, तो ये 2.0 वोल्ट है, आपका 2.0 वोल्टेज है। तो जितना भी एस लिखा होगा, मतलब कि हमारे फोन में जितना भी एस लिखा होगा इन आउट वोल्टेज जब आप यूज करेंगे, तो समझ जाना वो सभी कॉइल के वोल्टेज की बात कर रहा है। ये पहला हमारा कौन सा वोल्टेज बनता है, बी पी एच पावर, उसके बाद हमारा बनेगा क्या, कॉइल का वोल्टेज, कॉइल का वोल्टेज में क्या लिखा होगा, एस, एस लिखा हो तो मतलब वो कोयल का वोल्टेज होगा। इसके बाद बनेगा आपका एलडीयूस वोल्टेज, तो एलडीयूस LDO, एलडीयूस वोल्टेज में आपका लिखा क्या हुआ, एल, एलडीयूस वोल्टेज में आपका एल लिखा हुआ, एल इन्हीं में एल लिखा होगा। एलडीयूस वोल्टेज अगर आपको बन जाते हैं तो समझो आपका पावर आईसी ओके, क्योंकि एलडीयूस वोल्टेज कोयल के वोल्टेज बनने के बाद बनते हैं। तो देखेंगे यहां पर इन आउट पर आएंगे फिर दोबारा और चेक करेंगे। तो अभी हम कॉल के वोल्टेज चेक कर चुके थे, वहां पर हमने देखा सभी पर एस लिखा हुआ था। अब देखेंगे इसके अलावा जैसे हमारा ये कैपिटल, यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, आप ऊपर जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपका कि एल लिखा है, ये क्या है आपका एल, तो एल का मतलब है कि ये आपका एक एलडीओ का वोल्टेज है, ये आपका एक एलडीयूस का वोल्टेज है, मतलब कि हमारे फोन के अंदर आप ये कैसे कह सकते, ऐसा कह सकते हैं कि ये जो आईसी है आपका, इस आईसी के अंदर आपके कई सारे एलडीयू लगे हुए हैं। तो एलडीयू होता क्या है तो देखते हैं, ठीक है, पहले एलडीयू समझते हैं, उसके बाद आपको कॉइल, तो मैं कल समझा चुका था कॉइल का कहा क्या काम होता है, यहाँ पर ये कॉइल आपका एम्पियर को बढ़ा देती है, जिससे हमारा सीपीयू वर्किंग कंडीशन में आता है। तो यहाँ पर देखेंगे कॉइल का क्या काम होता है, मतलब एल क्या होता है, और एक्चुअल ये कुछ लाइनें एल से क्यों शो की, जैसे ये एल है, ये एल है, ये एल है, ये एल है, ये कई सारी एल लिखी हुई है, इस एल का मतलब क्या है। तो देखो एस का मतलब होता है कॉइल, अब एल लिखा होता है तो मतलब हुआ कि इसका LDO, अब इसका मतलब हुआ है कि आपका जो ये आईसी से जो लाइन आउटपुट हो रहा है, जैसे यहां से लाइन ये आउटपुट हुआ है और इस लाइन पर आपका एल लिखा हुआ है, ठीक है, वोल्टेज मेंशन है कि वोल्टेज इस पर आपका 1.8 वोल्टेज मिलेगा आपको, तो जब आईसी से एलडीयू ऑन होगा तो, ठीक है। तो एलडीयू एक्चुअल होता क्या है और इसमें एल क्यों लिखा है, तो देखो ध्यान देना, हमारा जो कोई भी आईसी होता है, जैसे हमारा कोई भी आईसी होता है, वो आईसी हमेशा
बना होता है आपका कई सारे ट्रांजिस्टर मॉस्फेट या एलडीयू से मिलकर बना होता है। इसमें आपके कम से कम एक आईसी के अंदर कम से कम आपके समथिंग, आप अनुमान के हिसाब से आप कह सकते हैं आपके यहाँ पर जो बड़ा बड़ा हमारा आईसी बनता है प्रोसेसर, उसमें कम से कम आपके 5 या से ज्यादा एलडीयू का इस्तेमाल किया जाता है। तो छोटा पावर आईसी है तो इसमें आपका लमसम जो भी यूज किया हो, ऐसे हम एक रख देते हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर जो एलडीयू यूज किए गए हैं वो आपके इसके अंदर 30 एलडीयू लगाए गए, ऐसे मान लो। पावर आईसी तो छोटा आईसी है आपका, तो उसमें आपके 30 एलडीयू लगाए गए। अब एलडीयू होता कैसा है, एलडीयू आपका इस टाइप का होता है, इस टाइप का, ठीक है। अब एलडीयू में आपकी एक टांग ग्राउंड होती है, चलो इसको हम आगे समझ लेते हैं एलडीयू होता कैसा है, चलो एक बार हम देख लेते हैं पहले उसके बाद समझेंगे, ठीक है। देखो तो यहाँ पर लिखा है एलडीयू से आउटपुट होने वाला 3.3 वोल्ट आउटपुट होता है, और यहाँ चेक करेंगे तो एलडीयू से आपका 2.9, ये है 11, ये है 9, ये है 18, मतलब कि इस आईसी के अंदर आपके कई सारे एलडीयू लगे हुए हैं। तो एलडीयू समझते हैं पहले, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो देखो एल पावर आईसी में, एल का मतलब है कि यहाँ पर आपकी एलडीयू, ये जो सप्लाई है जो आप यहाँ पर एल लिखा हुआ वो सभी एलडीयू सप्लाई है, मतलब कि इस आईसी के अंदर कई सारे एलडीयू अंदर लगाए गए हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारे हमारे पावर आईसी कितने एलडीयू हैं। तो देखेंगे हमारे फोन, हमारे पावर आईसी में एक लाइन होती है वीपेज पावर, पहला लाइन ये हो गया। सेकेंड लाइन हमारा हो गया आपका बक कॉइल, जिसे एस के नाम से जानते हैं। तो बक कॉइल हमारे फोन में लगी हुई है 7, तो 7 आपकी ये लाइन हो गई, और एक लाइन ये होगी आपकी, 8 लाइन होगी। बाकी जितनी भी लाइन है वो सभी एलडीयू लाइन है आपकी, एलडीयू लाइन आपकी इसके अंदर मान लेते हैं कि यहाँ पर 30 लाइन, तो यहाँ पर इसी हिसाब से लिखे होंगे, ये एलडीयू लाइन है आपकी, तो आपके लिखे होंगे ऐसे एल का ये 1 है, एल का 2 है, एल का 3 है, और एल का 4 है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली ये इस टाइप से लिखा क्यों होता है और ये कैसे आउटपुट होता है, तो देखते हैं। एलडीयू एलडीयू हमारा दिखने में इस टाइप का होता है, ठीक है। आईसी के अंदर ये बहुत छोटे, बहुत ही ज्यादा छोटे से छोटे माइक्रो में लगा होगा, कई सारे लगे हो सकते हैं, 30 40 जो भी है, जितनी लाइन जितना भी एल लिखा होगा आपका, L11 L12 जितना लास्ट एल लिखा होगा समझो, उतने एलडीयू आपके, उतने ही एलडीयू आपके उसमें लगे हुए हैं। तो एलडीयू दिखने में आपका इस टाइप का होगा ऐसे। एलडीयू में आपके 4 पैर होते हैं, अब ये वर्किंग कैसे करता है। तो एलडीयू में एक साइड होता है इनपुट, ये भी एलडीयू का आईसी है क्योंकि ये भी आईसी के अंदर मर्ज होता है, तो इनपुट होता है एक साइड, इस साइड होता है आउटपुट, आउट आपका पुट। अब आपने देखा है कि कोई भी सप्लाई जब, या चाहे तो वो इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, तो दोनों ही कंडीशन में आपका कैपेसिटर लगाए जाते हैं। कैपेसिटर आपका आउटपुट सप्लाई में भी कैपेसिटर लगते हैं आपके फिल्टर के लिए, और यहां भी लगे। अब इसके बाद इसमें जो ये जो लाइन है होती है वो ग्राउंड होती है, क्योंकि कोई भी आईसी को काम करने के लिए आपका पहला चाहिए इनपुट, कोई भी आईसी हुआ इनपुट, दूसरा चाहिए उसे EN, उसके बाद आउटपुट होगा, और उसके बाद ग्राउंड भी होना चाहिए उसमें, ग्राउंड जी। तो इस आईसी में आपका ग्राउंड भी मिल गया, इनपुट और आउटपुट भी है, और आपका यहाँ पर चाहिए हमको EN, यहाँ पर EN चाहिए। तो देखते हैं अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं एग्जांपल कि यहाँ पर इन्होंने 3.3 वोल्ट आउटपुट किया है, ठीक है, और यहाँ पर 2.9, तो एक्चुअली ये कैसे किया है वो देख लेते हैं। तो हमारा एलडीओ से हमको यहाँ पर एक तो एलडीओ से हमने आउटपुट किया 3.3 वोल्टेज, और एक हमारा 2.9, तो दोनों वोल्टेज कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो जैसे हमने बताया था कि आपका पावर आईसी के अंदर जो बीपेज पावर की जो लाइन है वो आपकी कई पिनों पर जाती है, कम से कम आपकी 10 से आपकी, मैं लिख देता हूँ 20 पिनों पर, मान लो 20 पिन पर कम से कम आपका बीपेज पावर आपका जाता है। तो अब हमको ये एलडीओ का वोल्टेज बनाना है एल, तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आपका बनता है ये वोल्टेज, कॉइल की वोल्टेज बन जाते हैं,
जो सात कॉइल लगाए उसके वोल्टेज पहले बन जाते हैं। उसके बाद अब विद्युत पावर कॉइल के वोल्टेज बनाने के लिए इसमें से 20 में से कई सारी पिन इसके लिए खर्च हो जाते हैं। जैसे मान लो सात कॉइल है तो सात में से मान लो सात कॉइल इसके सात पिन इसकी खर्च हो गई, इसमें बची 13 पिन। 13 पिन में से फिर एलडीओ के लिए कुछ लाइन कट जाती है। तो अब एलडीओ के वोल्टेज बनाने हैं तो एलडीओ के जो आईसी के अंदर एलडीओ लगा है उसके भी पिन को इस टाइप से आपका लाइन मिलता है। ठीक है, अब आपका ये होगा क्या आउटपुट। तो आउटपुट के लिए इसको चाहिएगा ईएन, क्योंकि किसी व्यक्ति का इनपुट होगा उसका ईएन, जब भी आउटपुट होगा तो हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए 3.3। तो यहां पर ईएन दिया गया होगा, आप इनपुट दिया होगा आपका 3.7। ज्यादा वोल्टेज देंगे तभी हम कम निकाल पाएंगे। तो यहां से ये वाला वोल्टेज दिया है, उसके बाद हमको आउटपुट में ये वोल्टेज चाहिए, तो यहां पर हमको कुछ ना कुछ वोल्टेज यहां देना पड़ेगा। तो यहां पर आईसी के हिसाब से आईसी के अंदर अंदर यहां पर आप जीरो, यहां पर आपका वन मान लो कि 1 वोल्टेज यहां पर मिल जाता है ईएन के रूप में इसे, या आप 1 वोल्टेज ना लिखकर आप ये लिख सकते हैं कि इसको आपका 0.8 वोल्टेज मिल जाता है। ऐसे कॉइल से जो वोल्टेज बनता है तो कॉइल का वोल्टेज ही फिर इसके अंदर, जैसे कॉइल से वोल्टेज बन गया तो फिर ये कॉइल का वोल्टेज जब आईसी के अंदर द्वारा आता है तो वो इस एलडीओ को ऑन कर देता है। ऐसे माना कॉइल का वोल्टेज पहले बनता है तो ये फिर फीडबैक के रूप में, इसे बोलेंगे FW, FV, फीडबैक के रूप में फिर ये अंदर आता है इसी अंदर। जैसे अभी आपने देखा था, एक बार हम फिर देख लेते हैं, जैसे आपके सामने दिखा देता हूँ एक बार, आप देखो यहाँ पर देखना। ठीक है, ये कॉइल का वोल्टेज है, अब ये आउटपुट हो गया, अब ये फिर अंदर आया है। तो इसका मतलब फिर ये अंदर आया है ना, ये इसमें से आपका एक लाइन फीडबैक का होगा। ठीक है, और बाकी जो पॉइंट है वो एलडीओ को ऑन करेंगी, एलडीओ जितनी भी लगी है उनको ये ऑन करेंगी। जैसे हमने देखा था ये जो लाइन हमारी 1.2 वोल्टेज की थी, या ये लाइन आपकी 2 वोल्टेज की है, तो 2 वोल्टेज लाइन होगी तो एलडीओ से हमारे 1.8 वोल्टेज बनाए जा सकते हैं यहाँ से। ठीक तो कॉइल के वोल्टेज तो आपके नॉर्मल डायरेक्ट बन जाते हैं बीच मिलने के बाद ही। उसके बाद एलडीओ वोल्टेज बनने के लिए आईसी के अंदर आपका बीबी पावर मिलता है, और जब ईएन मिलेगा उसके बाद वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट होंगे। अब आपका कहने का मतलब होता है कि इसके अंदर फिक्स वोल्टेज मिल जाता है 3.3। तो ये कैसे बनता है वो देख लेते हैं, मतलब कि ये मिलता कैसे। तो एलडीओ के अंदर होता क्या है, देखो एलडीओ के अंदर होता कुछ नहीं है। जैसे एलडीओ के अंदर, इसके अंदर की बनावट क्या होता है, इसके अंदर जैसे यहां से हम दे रहे हैं इसको 3.3 वोल्टेज, और यहां पर हम लगा दिया एक रजिस्टर, और यहां से हमको चाहिए आउटपुट। तो हम इसके बीच में एक लगा देते हैं जीन डायोड, इसके बीच में आपका एक हम लगा देते हैं जीनर डायोड यहां पर। ठीक है, तो जीनर डायोड का काम होता है फिक्स वोल्टेज का। तो यहां पर जो जीनर डायोड आपका लगा हुआ है, वो जीनर डायोड का जो वैल्यू है वो आपका 3.3 वोल्टेज आउटपुट का है ये। तो अगर आप यहां से इनपुट जो भी देंगे तो जीनर डायोड जो आपका लगा है जीनर डायोड, वो आपका फिक्स वोल्टेज ही आउटपुट करेगा। तो ये जितने भी एलडीओ इसके अंदर फिट होते हैं आईसी के अंदर, उसमें एलडीओ के अंदर तो जीन डायोड होता है जिससे ही वोल्टेज हमको फिक्स मिल पाता है। आप यहाँ से जैसे यहाँ पर 3.7 है, अगर इसका काम करने का जो वोल्टेज, अगर वो 5 वोल्टेज तक का वर्क करता तो आप 5 वोल्टेज भी देंगे तब भी इतना ही वोल्टेज आउटपुट निकालेगा। अगर आप इसे 3.4 देंगे तब भी इतना ही आउटपुट निकालेगा आपका। तो एलडीओ के अंदर आपका